इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पीएचपी में हम वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इन पीएचपी वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड यूजिंग ए डॉलर साइन। डॉलर साइन का यूज करके हमें वेरिएबल को बनाना होता है बाय द वेरिएबल नेम। उसके बाद डॉलर साइन के बाद हमको एक वैलिड आइडेंटिफायर नेम देना होता है। वैलिड आइडेंटिफायर नेम देने के कुछ रूल्स होते हैं, 4-5 रूल है, उनको फॉलो करके आपको वेरिएबल बनाना होगा। कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डॉलर के साथ वेरिएबल नेम और उसके बाद हमने एक वैल्यू उसमें इनिशियलाइज की और उसके एंड ऑफ स्टेटमेंट के लिए हम सेमीकोलन लगाते हैं। तो ये सिंटेक्स है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। अब देख पा रहे हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स पीएचपी में किस तरीके से दिया हुआ है। तो वेरिएबल अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो उसके सिंटेक्स आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि पीएचपी जो है लूजली टाइप लैंग्वेज है, यानी कि यहाँ पर आपको डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। इम्प्लिसिट कन्वर्शन होता है जो कि यूजर के लिए कोड कर, जो कि प्रोग्रामर के लिए कोड करने में आसानी देता है। तो वो ऑटोमेटिकली एनालाइज कर लेता है कि आपने कौन सी वैल्यू दी है। यहाँ पर जो भी वैल्यू आप देंगे उसके हिसाब से ये अंदर ही अंदर डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। इसको डेटा टाइप कन्वर्शन बोलते हैं और ये इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्शन आपका कर देता है। तो इस ऐसा करने की वजह से प्रोग्रामर को डेटा टाइप के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती और कोड करना थोड़ा आसान हो जाता है। दूसरा यहाँ पर लिखा है कि आप यहाँ पर कोड को रीयूज भी कर सकते हैं। कोड को रीयूज करना भी काफी आसान है और असाइन करने के लिए इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया जाता है, यानी कि यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो ऐसा आपको दिखेगा। यहाँ पर आप सिंटेक्स देख सकते हैं, कुछ रूल्स भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं पीएचपी के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के रूल्स, वो भी हम देख लेते हैं। पीएचपी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं, वो रूल्स आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं अगर पीएचपी वेरिएबल के बारे में पूछा जाए। तो ये 4-5 रूल्स हैं और इसमें लगभग कुछ जो 4-5 रूल्स में कुछ रूल्स जो हैं वो वैलिड आइडेंटिफायर के ही रूल्स हैं। तो आप यहाँ पर रूल्स ध्यान से देख सकते हैं कि पहला जो रूल लिखा है वेरिएबल मस्ट विद स्टार्ट ए डॉलर साइन। वेरिएबल जो है वो डॉलर साइन का के साथ स्टार्ट होगा फॉलोड बाय वेरिएबल नेम, उसके बाद उसका वैलिड वेरिएबल नेम होगा। अब वेरिएबल नेम जो है उनके लिए भी कुछ यहाँ पर रूल्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पर रूल्स देख सकते हैं थोड़ा सा इंक्रीज किए गए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेकंड पॉइंट में आपको दिखा रहा है कि वेरिएबल जो है उनका जो नाम है वो अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, लेकिन जो पहला कैरेक्टर है वो आपका हमेशा या तो अल्फाबेट है या अंडरस्कोर होना है। ठीक है, तो वेरिएबल का जो नाम है वो आपको इसमें इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करके ही लिखना है। वेरिएबल का जो नाम है स्पेशल सिंबल, इस लाइन का मतलब है कि वेरिएबल नेम में स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं है सिवाय अंडरस्कोर के, यानी किसी वेरिएबल का नाम आप ऐसा नहीं रख सकते। जैसे मैंने डॉलर और वेरिएबल का नाम ऐसे लिखा साइन डॉलर, डॉलर मैंने स्पेशल, डॉलर एक स्पेशल सिंबल है, मैं इसको यहाँ पर यूज नहीं कर सकता हूँ, या फिर एट द रेट इस टाइप के सिंबल्स को हम यूज नहीं कर सकते सिवाय एक अंडरस्कोर की, हम दूसरा कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर अल्फाबेट्स कैपिटल और स्मॉल में और 0 to 9 इस तरीके के डिजिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिला के इस लाइन का एक मतलब है कि यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो अलाउड नहीं है सिवाय अंडरस्कोर के, एक को अलाउड किया गया है ताकि इनके बीच में कुछ स्पेस देना हो, क्योंकि ब्लैंक स्पेस भी अलाउ नहीं होता है। ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं है तो इनके बदले इनके बीच में डिफरेंस दिखाने के लिए इसको अलाउ कर दिया गया है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएबल नेम। अगर आप वेरिएबल नेम लिख रहे हैं तो वेरिएबल का नेम जो है वो स्टार्ट होना चाहिए लेटर से या अंडरस्कोर से, यानी कि अगर आप किसी वेरिएबल का नाम ऐसा लिख रहे हैं साइन वैलिड नेम है या वैलिड आइडेंटिफायर है, आप ऐसा लिख रहे हैं साइन ये भी वैलिड है, लेकिन आप ऐसा लिख रहे हैं नाइन साइन ये इनवैलिड हो गया। वेरिएबल नेम जो है वो या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से होगा, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना है।
डॉक्टरी में हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग पहला कैरेक्टर जो है वो अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर होगा। ये वैलिड आइडेंटिफायर्स के रूल्स है और लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको फॉलो किया जाता है। अगला जो है यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिएबल नेम में स्पेसेस नहीं होना चाहिए, ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं है, यानी ऐसा नहीं लिख सकते आप, ऐसा अलाउड नहीं है। वेरिएबल नेम के बीच में कभी भी स्पेस नहीं होगा, अगर आपको स्पेस जैसा कुछ दिखाना है तो उसकी जगह आप अंडर स्कोर लिखेंगे, इसीलिए अंडर स्कोर बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसा जो लिखा हुआ चीज है ये करेक्ट है और ये जो लिखा हुआ है ये इनकरेक्ट है। क्लियर तो, जो अगला रूल बोल रहा है वो उसका मतलब ये कि ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है अभी वेरिएबल नेम बना हुआ, इसमें इस वेरिएबल नेम में जो आपको दिखाई दे रहा है ये इनकरेक्ट है, ये वैलिड नहीं है, वैलिड नेम नहीं है, वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। अगला हम देखते हैं, अगला जो रूल है वो है स्पेशल वर्ड्स को हम यूज नहीं कर सकते, स्पेशल सिंबल्स और स्पेशल वर्ड्स को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। चीज लिखा हुआ है नंबर और स्पेशल सिंबल से यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो सकता है। अगला पीएचपी का जो वेरिएबल है वो केस सेंसिटिव होता है, यानी कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ वेरिएबल और ऐसा लिखा हुआ वेरिएबल दोनों को डिफरेंट माना जाएगा, यानी कि वेरिएबल इको को जैसा हम लिख पा रहे थे कि कैपिटल में लिख दीजिए इको, कैपिटल में इको लिख देंगे, वेरिएबल में अगर आप लिखते हैं डॉलर और ऐसा लिखते हैं डॉलर, दोनों वेरिएबल जो है वो अलग अलग माने जाएंगे। क्लियर है, इस तरीके से हमने देखा कि वेरिएबल्स को बनाने के कुछ रूल्स हैं यहाँ पर। आगे और देखते हैं, इसके आगे आगे देखते हैं कि पीएचपी वेरिएबल्स में स्ट्रिंग इंटीजर और फ्लोट की वैल्यू किस तरीके से इनिशियलाइज की जाती है, या स्ट्रिंग वेरिएबल्स, इंटीजर वेरिएबल्स और फ्लोट वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं। तो उनको बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, हम डॉलर के साथ एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं और उसमें जैसे ही हम स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं या इनिशियलाइज करते हैं या स्टोर करते हैं इक्वल टू ऑपरेटर से या असाइन करते हैं, तो ये वेरिएबल का डेटा टाइप स्ट्रिंग बन जाता है। यहाँ पर मैंने वैल्यू दी इंटीजर, तो इसका डेटा टाइप क्या बन गया, इंटीजर। इसकी वैल्यू थी मैंने फ्लोट, तो इसका जो डेटा टाइप है वो यहाँ पर फ्लोट बन गया है। और इनको प्रिंट भी हम ऐसा करा सकते हैं वेरिएबल के साथ। यहाँ पर आप देखिए कि डॉलर एसटीआर लिखा है, इसका मतलब है एसटीआर ना प्रिंट होकर के एसटीआर की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, और बीआर भी लगाया गया है, इसका मतलब है कि लाइन चेंज होगा। तो इसका आउटपुट आएगा स्ट्रिंग इज, देखिए आया स्ट्रिंग इज और यहाँ पर आया हेलो, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंटीजर वैल्यू कैसे प्रिंट हो रही है, फ्लोट वैल्यू कैसे प्रिंट हो रही है, स्ट्रिंग वैल्यू कैसे प्रिंट हो रही है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इको की जगह पर आप प्रिंट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, कोई भी डेटा टाइप हो। हमें जैसे आप पुरानी लैंग्वेजेस में देखेंगे सी सी प्लस प्लस वगैरह में, वहाँ पे परसेंट डी वगैरह ये सब यूज करना पड़ता है, स्ट्रिंग के साथ अलग, कैरेक्टर के साथ अलग, यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है, ये छोटा सा प्रोग्राम भी देखते हैं कि पीएचपी में दो नंबर्स को ऐड कराने का प्रोग्राम क्या होगा। तो सिंपल है, यहाँ पर आप एचटीएमएल पेज बनाइए, बॉडी के अंदर पीएचपी टैग लगाएंगे, आप बॉडी के अंदर पीएचपी टैग लगाएंगे और पीएचपी टैग यहाँ पर लगाया, यहाँ पर क्लोज किया, और मैंने तीन वेरिएबल्स बनाए हैं, डॉलर एक्स में मैंने वैल्यू दी है 5, दूसरे में दी है 6 और जेड में दिया एक्स प्लस। देखिए वेरिएबल को जब भी आप उसकी वैल्यू को यूज कराना चाहेंगे, एक्स की वैल्यू एड होगी वाई की वैल्यू में, तो आपको डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू एड होगी वाई की वैल्यू से और इन दोनों की वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी Z में और Z की वैल्यू प्रिंट कर दी है, तो आउटपुट आया आपका 11। सिंपल सा दो नंबर के एडिशन का प्रोग्राम है ये, और आप इसको दो नंबर के एडिशन का प्रोग्राम PHP में बना सकते हैं।